आज हम कुछ वेस्ट मटेरियल से बनाएंगे। ये मेरे पास एक केज पड़ा है, पुराना खराब हो गया है, जंग लग गया है इस पे। और ये मैंने थिनर लिया और कुछ नेल पॉलिश है जो सूख गई हैं और मैं कुछ यूज नहीं करती हूँ, मतलब कलर मुझे नहीं पसंद है या थोड़े आधी आधी रह गई हैं। तो इससे मैं इस नेल पॉलिश से मैं ये केज जो है इसे पेंट करूंगी और इसमें हम कुछ प्लांट या कुछ लगा के रख देंगे। और ये मैंने थिनर यूज किया है, मैं नेल पॉलिश को डाइल्यूट करूंगी जो सूख चुकी है नेल पॉलिश, इसमें मैं डालूंगी। तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा मैंने किया है पेंट, बाकी मैं अभी पूरा करूंगी तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं पेंट कर रही हूँ नेल पॉलिश से ही। अगर तो आपका ये नेल पॉलिश का ब्रश ठीक है तो बढ़िया है, नहीं तो आप पेंट ब्रश जो होता है छोटा उससे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर हाँ ये हो जाएगा। बस चार शीशी हैं। अगर आपके हाथ खराब हो जाएंगे तो आप ये थिनर से, या आपके पास क्यूटेक्स रिमूवर हो, क्यूटेक्स रिमूवर, तो उससे भी आप साफ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ा पेंट किया है, मैं बाकी अभी कर रही हूँ। एक हाथ से मैंने कैमरा भी होल्ड किया हुआ है और मैं कर रही हूँ। अभी इसको हम बाद में फिनिशिंग टच भी देंगे क्योंकि अभी कहीं कहीं व्हाइट है। मेरे पास है अभी नेल पॉलिश चार, तो ये मैं फिनिशिंग पॉइंट भी इनको दूंगी। आपको मैं बिल्कुल दिखाऊंगी कि पूरा होकर ये कैसा लगता है, कैसा दिखेगा। इसको मैंने रेग मार्क से पहले नहीं क्लीन किया है क्योंकि मेरे पास है नहीं रेग मार्क। ये तो पहले अगर हम रेग मार्क से क्लीन कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये व्हाइट कलर इस पे मैंने किया था, ये स्टील का था, स्टेनलेस स्टील का। उसके बाद मैंने इस पे कलर किया, इसको इसमें मैंने प्लांटर ही लगाया हुआ था मगर वो पेंट उतर गया और जंग भी लग गया, तो इसको मैं दोबारा अब रीपेंट करूंगी और इसको मैं बालकनी में रखूंगी अपनी, हैंग करूंगी। और कोशिश करूंगी इसमें आर्टिफिशियल प्लांट लगाऊं क्योंकि ये फिर मैं पानी डालूंगी तो ये खराब होगा। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर हाँ। और इसको हम कपड़े से भी कर सकते हैं, स्पॉन्ज की मदद से इसको पूरा डैप कर लें और इसको पेंट कर सकते हैं। और मेरे पास अभी स्पॉन्ज भी नहीं है तो मैं ये नेल पॉलिश का जो ब्रश है इसी को ही यूज कर लूंगी। ये मैं जहाँ जहाँ भी व्हाइट है सब कवर कर दूंगी, नहीं दिखेगा, अच्छे से इसको फिनिशिंग टच देंगे। अभी मैं रफ कोटिंग कर रही हूँ, उसके बाद फिर इसको अच्छे से कवर करेंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा, इसको बनाते हैं, कलर करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसको कैसे डेकोरेट किया है। छोटे ब्रश से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मेरे हाथ भी सब गंदे हो गए, मैंने वो कपड़े से भी करने की कोशिश की है। मगर मैंने अब क्या किया है, ये जो दूसरी नेल पॉलिश है इसका ब्रश मोटा है और लंबा भी है तो मैं इससे कर रही हूँ, ये जल्दी भी हो रहा है। देखिए बहुत जल्दी और आराम से हो रहा है, तो मैं ये वाला ब्रश यूज कर रही हूँ। देखिए ये लंबा है और बड़ा भी है और आसानी से हो पा रहा है, ऐसे देख रहे होंगे आप। उसमें बहुत टाइम लग रहा था तो मैंने ये दूसरी नेल पॉलिश का ब्रश ले लिया। आज मेरी ये सारी दोपहर तो इसको पेंट करने में ही जाएगी, 3-4 घंटे लग जाएंगे। एक और केज भी है ऐसा,
उसको भी मैं करूँगी, मगर उससे बाद में करूँगी, पहले इसे कंप्लीट करूँगी। देखिए अभी अच्छे से हो पा रहा है। कपड़े भी गंदे होते हैं थोड़े, तो आप ध्यान रखिए, नीचे पर बिछाना चाहे तो नीचे पर भी बिछा सकते हैं। नीचे आपको अगर दिख रहा होगा तो ये कलर खत्म हो गया है, एक नेल पॉलिश की मेरी शीशी खत्म हो गई है, और ये कितना पेंट हुआ है अभी, अभी मैं पेंट कर रही हूँ इसे, हो जाएगा। मेरे पास है अभी 3, 1, 2 और ये 3 शीशियाँ हैं, आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा 19-20 का फर्क है कलर में, तो वो शेडिंग हो जाएगी। तो चलिए ये इसे कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये मैंने पेंट कर लिया है, और इसको मैं बालकनी में टांगूंगी, और इसमें कुछ आर्टिफैक्ट्स या कुछ हैंडीक्राफ्ट का आइटम लगाऊंगी, या कोई नकली प्लांट, वो मैं देखूंगी, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मार्केट तो अभी सब बंद है, घर में से भी देखूंगी, कुछ थोड़ा सा रह गया है ये अंदर की तरफ से, ये मैं कर लूंगी इसको मैं पेंट नेल पॉलिश से। तो देखिए ये मतलब उससे तो अच्छा ही लग रहा है, जो खराब हो रखा था सारा रस्टिंग हो रखा था, और मैं अगर इसको रेगर पेपर से सैंड पेपर से एक बार कर लेती और फिर करती तो बहुत ही अच्छा पेंट होना था, और वो पेपर तो अभी मेरे पास है नहीं। तो चलिए अब इसको सजाएंगे। ये देखिए मैंने ये जो केज था उसको पेंट करके उसमें ये मनी प्लांट लगा दिया पानी में ही, मुझे पानी भी नहीं देना पड़ेगा, और ये बाकी अब इसकी रस्टिंग भी नहीं होगी। कुछ मेरे पास ये नेकलेस पड़े थे पर्ल के, वो मैंने इसमें लगा दिए सजावट के लिए, और ये मैंने अपने रूम के कॉर्नर में ही डेकोरेट कर लिया है। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, मैं चेंज करती रहूंगी, कभी बालकनी में लगा देंगे। तो आप भी अगर ऐसे कुछ वेस्ट पड़ा है तो आप उससे न्यू लुक देकर एक अच्छा सा हैंगिंग पीस बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वेस्ट मटेरियल से जो मैंने बनाया है पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल दिल से दिल तक को लाइक कीजिए। शुक्रिया।